अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज भी उसके साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबेद। अभी आपको एक अहम खबर देंगे। अफसोसनाक खबर है कि दालबल नीम में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दफ्तर पर दस्ती बम से हमला किया गया है और दस्ती बम हमले के नतीजे में 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक बार फिर से आपको आगाह करेंगे, दालबंदीन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दफ्तर पर दस्ती बम हमले की इत्तलात है और दस्ती बम हमले के नतीजे में 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं, ये इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। इसी हमले पर बात करने के लिए हमें राबिता किया है क्वेटा में हमारे इस धमाके के बारे में। आसमा, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार उनके कारकुन जमा थे जो इलेक्शन की तैयारियों में थे और अपने बैनर और पोस्टर वगैरह तैयार कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने एक ग्रेनेड फेंका जो इनके बीच में पटाया, जिसके नतीजे में 20 कारकुन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जख्मी हुए हैं, जिनको सिविल हॉस्पिटल दालबंदी मुंतकिल किया गया। इनमें से चार की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद क्वेटा के लिए रवाना कर दिया गया और यहाँ पर ज्यादा उनको अच्छी देखभाल फराहम की जा सकेगी। इस वाक्य के बाद इलाका की नाकाबंदी कर दी गई है लेविस की जानिब से और जो दहशतगर्द थे उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। ठीक है जी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दफ्तर पर दस्ती बम हमला हुआ है। मुजीब हमें आगाह कर रहे थे दालबंदीन का इलाका है, बताया जा रहा है कि जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त इस ऑफिस में इस दफ्तर के अंदर काफी बड़ी तादाद में लोग जमा थे और यही वजह है कि इस बम हमले के नतीजे में 20 अफराद जख्मी हुए हैं। तो बहरहाल अब हम इलेक्शन 2018 के हवाले से ही बात करेंगे और कराची का आज खुसूसी तौर पर जिक्र रहेगा और उसकी वजह आसमा यह भी है कि आज कप्तान कराची पहुंचे, जलसा आयाम से उन्होंने खिताब किया, एक बड़े अरसे बाद कराची में उन्होंने एक जलसा किया है, दावा किया है कि बहुत बड़ा जलसा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं, कहा है कि तब्दीली को वोट दिया जाए और उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे कैंडिडेट इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी वो आवाम से अपील आज करते रहे, मुसलसल करते रहे कि हमारे कैंडिडेट दिखा, लेकिन उस पर मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा। इमरान खान ने जो अपने खिताब में बात की, वैसे बुनियादी तौर से ये बता करना तो आईएसपी की जिम्मेदारी थी और वो करते तो ज्यादा बेहतर होता है, इमरान खान ना करते तो अच्छा होता। और इसके साथ साथ उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया को बहुत हदफ तनकीद बनाया है, वो कहते हैं बैन अलावामी एजेंडा है जिसके तहत मेरे खिलाफ इस तरह की चीजें हो रही हैं, बैन अलावामी मीडिया को बार बार उन्होंने हदफ तनकीद बनाया। अब मैं आ जाता हूँ जलसे की तरफ। तो जलसे में आप ये बता दूं कि मैंने यहाँ पर कई जमातों के जलसे देखे हैं और ये बिलावल भुट्टो का जहाँ स्टेज बनी थी उससे भी बहुत आगे बनाया गया था, तकरीबन आप ग्राउंड के मिडिल में बिल्कुल दरमियान में आकर स्टेज था। उसके बाद जो उस अगर फ्रंट से देखें तो दाएं हाथ वाला हिस्सा जो दारुल सुकून स्कूल के साथ वो पूरी पट्टी खाली थी, इसके अच्छा। बाद मस्जिद खत्मे नबवत के साथ जो दीवार थी वो पूरी खाली थी, एक साइज मिलाकर किया गया था। पीटीआई तो कह रही थी मैसिव क्राउड था। देखिए वो मैसिव इस तरह से था कि टेक्निकलिटीज में अगर मैं जाऊं तो एक होता है कि ओबी से ओबी उन्होंने दे रखी थी और जिस तरह से वो दिखाना चाहते थे उसी तरीके से वो दिखा रहे थे। और मैंने एक चीज कई जलसों से एक बार नोट किया, हमने मरकजी स्टेज पर जाकर हमने जायजा लिया तो लाइटें इतनी तेज होती हैं और चकाचौन करने वाली होती है कि आप जिस एंड पर जाते हैं वहां आपको सरीसर नजर आते हैं, तो आप उसको ये बात कहते हैं कि ता हद्दे नजर इंसान वहां मौजूद थे। तो मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं था। और मजीद भी आपसे तजिया लेते हैं इस वक्त आसमा, NA 244 के हवाले से कुछ हमारे पास है, एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है नाजरीन। NA 244 में कराची शर्खी 3 है, MQM पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से मिफ्ता इस्माइल मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के अली जैदी हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं पीटीआई में, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अपनी पार्टी पर एक होल्ड भी रखते हैं। तो रफत, आपको क्या लगता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन विन करेगा या किसका पल्ला भारी आज? देखिए अगर माजी की तरफ जाए तो इलाका MQM का था, MQM जीता करती थी, रऊफ सिद्दीकी उम्मीदवार है, लेकिन जो भी वहाँ के रहने वाले हैं वो MQM से अब मुतमईन नहीं हैं और इमरान खान ने वहाँ उस इलाके में जलसा भी पिछले दिनों वो यहाँ पर आए थे, तो रुझान जो है ख़ासतौर से वेमेन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर और उन जिस तरीके से कारोबारी शख्सियात बहुत हैं और इमरान खान का फोकस जो है वो कारोबारी शख्सियात हैं, तो वहाँ पर फिर आप देखें अली जैदी जो हैं वो मुतवक्के तौर पर आगे नज़र आते हैं, लेकिन उनका बड़ा टफ
उनकी बात कर रहे हैं इमरान खान के जो अननोन लोग हैं, ये नोन लोग हैं पार्टी में काम कर रहे हैं खासे अरसे से, आरिफ अलवी हुए, ये हुए, जमाल सिद्दीकी हैं और बहुत सारे लोग, इमरान इस्माइल हैं, तो ये नोन लोग हैं। इमरान इस्माइल एक जमनी इलेक्शन लड़ चुके हैं इनकी तरफ से अजीजाबाद के इलाके से। अच्छा, तो ये नुमाया लोग हैं। रफत, कहीं इमरान के जहन में ये तो नहीं है कि कराची में चूंकि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती नहीं है, कराची में पार्टी पॉलिटिक्स होती है, एमक्यूएम जब जीतती थी तो एमक्यूएम किसी को भी खड़ा करती थी, वो जीत जाता था। जिस जमाने में जमात इस्लामी जीतती थी तो जिसको भी वोट देती थी, जिसको भी टिकट देती थी वो जीत जाता था। अब तहरीक इंसाफ को भी यकीनन यही सोच अपनानी चाहिए कि कराची में कभी भी इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं रही है। देखिए, वोट इमरान खान का है, जिस तरह वोट अल्ताफ हुसैन का है, जिस तरह वोट आसिफ जरदारी का है, बेनजीर भुट्टो का हाँ वोट है, नौजवान है खासतौर से, वो बड़े मुतासर नजर आते हैं तहरीक इंसाफ से, और उनका सब लोगों का ये कहना है नौजवान नस्ल का कि एक मौका उस इमरान खान को भी मिलना चाहिए, ये एक नजरिए के तहत आगे आ रहे हैं। लेकिन जो संजीदा वोटर हल्का है, एक ही घर के अंदर इख्तलाफ भी है कि अगर वालिद और जो उसके और अजीज अकारिब हैं वो अगर रिवायती तौर से मुत्तहिदा मजलिस अमल या एमक्यूएम की तरफ जाने के पतंग की तरफ जाना चाहते हैं तो नौजवान रजिस्ट करता है, नौजवान ये कहता है कि नहीं इमरान खान को वोट देना चाहिए, और वो नजर भी आता है शहर की सड़कों पर। तो जो बात ईमानदारी से वो जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसमें मुफ्ता इस्माइल जो हैं उनकी वो पोजीशन नजर नहीं आती इस हलके के अंदर, वो नबी जैदी का भी नहीं रहा, जाहिद सईद का वहां खासा काम रहा है, क्योंकि एक पार्टी ने काम किया है मुत्तहिदा मजलिस अमल ने वहां पर, एमकेएम अपने निशान और अपनी पार्टी की बुनियाद पर, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है शहर में कि आप दबाव के जरिए। आप ये देख रहे हैं कि हलका एनए 244 में आपके मुताबिक हो सकता है कि अली जैदी जो है वो यहाँ से अली जैदी बिल्कुल, मार्जिन कितना रहेगा, बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं या कुछ टफ रहेगा? अगर आसमा वोटिंग टर्नआउट अच्छा रहा तो फिर बात ये होगी, वोटिंग टर्नआउट कम रहने के बड़े वाजे तौर से शवाहिद भी मिल रहे हैं, इम्कानात भी हैं, लोगों की अदम दिलचस्पी भी है, लोगों से बात, लोग जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आते, और जब आखिरी लम्हे में कोई ये फैसला नहीं कर पाएगा तो फिर हो सकता है कि वो वोट ही ना डाले, ये भी एक सोच डेवलप हो रही है। सही, अब एनए 244 पे हमने बात की, और अब नाज़रीन अगला हलका जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रफत सईद से, वो हमारे पास होगा एनए 245 कराची शहर की नंबर 4, और इसमें आपको बताएं कि यहाँ से जो कैंडिडेट्स जो हैं हिस्सा ले रहे हैं वो एमकेएम के फारूक सत्तार हैं, और आमिर लियाकत जो हैं वो एक बड़ा नुमाया नाम है, आप प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं अपना और साथ ही साथ जलसे भी कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें वोट कास्ट किया जाए, लेकिन पाक सरजमीन पार्टी जो बहुत ज्यादा खबरों में रही है, स्पेशली जो हालात रहे हैं कराची के और जो कुछ कराची की सियासत में हुआ है उसके बाद, हम देख रहे हैं कि सगीर अहमद भी इस हलके में यानी एनए 245 में बड़े सरगर्म दिखाई देते हैं और लोगों से बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें वोट दिया जाए, क्योंकि जो एमक्यूएम है वो अब उस तरह की एमक्यूएम नहीं रही है जिससे कोई लोग उम्मीद लगा सके, या वो एमक्यूएम नहीं रही है जिसमें खुद सगीर अहमद शामिल रहे हैं। क्या बिल्कुल आप सवाल कीजिएगा, इस हलके की इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि एमकेएम के तीन साबिका कैंडिडेट एक ही हलके से, और अहम है तीन डॉक्टर भी हैं इसमें लेकिन मेडिकल कॉलेज अलग अलग है, तो अब कॉलेज अलग अलग है, और ये मेरे ख्याल में उस तरह के डॉक्टर हैं भी नहीं, आमिर लियाकत जो हैं डॉक्टर, ये दोनों तो मेडिसिन के से दोनों का ताल्लुक रहा है, लेकिन भारत तीन डॉक्टर ही नुमाया इलाज होगा, इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप सैफुद्दीन जो मुचरम इन्हें आप भूल रही, ये 80 की दहाई में कराची यूनिवर्सिटी में बड़े नुमाया तौर से स्टूडेंट लीडर के तौर पर उभरे हैं, और कराची में जब बहुत बहरान हुआ करता था तलबा तंजीमों का और उसमें इमर्ज हुए थे वहां पर कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा के प्लेटफॉर्म से, तो अब ये यहाँ से उम्मीदवार हैं, अरसे से इस इलाके के रिहायशी हैं, गो के डॉक्टर यही PIB यही के रिहायशी हैं। रफत, चूंकि इस हलके में मेन वोटर जो है वो एक माइनॉरिटी वोटर भी है, और फिर खासतौर पर एक हमारी आगा खान कम्युनिटी है, उनका भी बड़ा होल्ड है इसी हलके में, तो आपको क्या लगता है उनका माइंडसेट क्या कहता है, वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि माजी में हमेशा वो एमकेएम की तरफ गए। देखिए, इस तरह की जो कम्युनिटी होती है वो ये देखती है कि उनके मसाइल का हल किसके पास है, कौन उनका मसला आसानी से हल कर सकता है, उनकी कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होती है, जो ट्रबल शूटर के तौर पर होगा तो वो उस तरह रागिब होते हैं, और उस सारे में अगर आप जी कुछ कहना चाहिए, मैं रफा साहब ये पूछना चाह रही हूँ कि सबकी कैंपेन्स तो आपके सामने है, आपने खुद देखा है,
अब कौन है आपके मुताबिक जो आपके लोगों से बात हुई है, मैं आपकी जाती राय नहीं जानना चाह रही, जो आपके लोगों से बात हुई वो लोग किसको यहाँ पर मसीहा समझ रहे हैं? जैसे कि आपने कहा कि मसीहा भी हैं इनमें से तीन, तो आपको क्या ज्यादा लग रहा है कि किसके चांसेस हैं और लोग किसको समझ रहे हैं कि वो उनके मसाइल हल कर सकता है? देखिए, कराची के लोगों की अगर कोई भी नहीं है, अच्छा, उनका मसला किसी ने हल नहीं किया और आने वाले दिनों में भी कोई दूध की नहरें नहीं बहेंगी इस शहर में। अगर यहाँ कैंडिडेट तब्दील एमक्यूएम बिल्कुल नहीं होगी और दूसरी पीटीआई आ जाएगी, तो ये नहीं समझना चाहिए कि सारे मसले हल हो जाएंगे। इंतखाबात में इस किस्म की बातें जरूर होती है, वो इंतखाबी बातें होती है। लेकिन पीटीआई तो कह रही है ना कि इस बार जो वजीर आजम होगा वो कराची, कि अगर कराची से वो जीतते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो कराची की सीट को होल्ड करेंगे और अगर दूसरी सीटें वो जीतते हैं तो वो फिर छोड़ देंगे। देखिए, अगर मौके के शवाहिद और तमाम चीज़ों का जायजा, जैसे अदालत में जज साहब अगर इस तरह कहते हैं कि शवाहिद का सब चीज़ों का जायजा लेकर एक बात बताए, तो उसमें फिलहाल आपको बिल्कुल बड़े वाकआत किया है, उनके हवाले से बहुत सारे तहफ़ुज़ात भी हैं लोगों के, उनके बहुत सारे इशूज भी हैं, उनकी जिस तरीके से उन्होंने पार्टियां तब्दील की हैं वो कहीं एक जगह रुकते नहीं है, तो ये चीज अपनी जगह नेगेटिव पॉइंट में जाती है। तो ऐसे में एक मरतबा फिर डॉक्टर फारूक सत्तार का चुनाव कर सकते हैं लोग। कुछ लोगों ने ये बात की भी है कि इस मतलब मजबूरी आखिरी हद उसके तौर पर, यानी आपको NA 245, फिर एक सोच लोगों में ये भी आ गई है कि फिर वही वाली बात कि पतंग मसीहा हम जबान का एक बड़ा अमल दखल है, जो कि है तो बहुत बुरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कराची के तमाम हलकों में। फैसला मुश्किल है, NA 240 दिखाई दे रहे हैं, अब देख रही है कि 25 जुलाई को आप लोग क्या फैसला करते हैं। बहरहाल अभी सीनियर तजिया का भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे, आज के साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ लिया आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे, आज इमरान खान ने कहा है कि सिंध में जरदारी माफिया का राज था, अवाम के लिए इन लुटेरों से छुटकारे का अब अच्छा मौका है। कराची में आज उन्होंने जलसा-ए-आम से खिताब किया। इसी जलसा-ए-आम से खिताब में उनका कहना था कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने गठजोड़ कर लिया है, लेकिन वो अकेले इन सब वतन दुश्मनों को शिकस्त देंगे। उन्होंने एमक्यूएम पर भी तनकीद की और कहा कि कराची का कोई पुरसान हाल नहीं। कप्तान का कहना था कि पंजाब में शरीफ खानदान का कब्जा था। उन्होंने शहबाज शरीफ पर आबिद बॉक्सर के इल्जाम का भी जिक्र किया। गंडापुर आज सुन के तकलीफ हुई कि वो आज शहीद हो गए। जितना खौफ कराची में था उतना ही अंदरूनी सिंध में था। वहाँ जरदारी माफिया खौफ था लोगों को इनसे, जो थोड़ा बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन था डरता था शरीफ खानदान का कब्जा पंजाब पे। वहाँ उन्होंने आबिद बॉक्सर जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो आज बयान दे रहा है कि मेरे से शहबाज शरीफ कत्ल करवाता था लोगों को। तो ये थी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की जिसमें मैंने कदम रखा था 22 साल पहले। ये थे लोग जो अपने आप को जमहूरी कहते थे, हर वो काम करते थे जो माफिया करता है। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, अभी से शुरू हो गया है। एक इंटरनेशनल मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे चलता है, हिंदुस्तान का मीडिया और यहाँ की वो जमाते हैं जो रिगिंग के एक्सपर्ट्स रही है, शुरू हो गए हैं कि जनाब इलेक्शन में फौज रिगिंग करवा रही है। बहुत बड़ी गेम है, इसमें पाकिस्तान के दुश्मन इकट्ठे हैं। आप सब इकट्ठे हो जाएं, मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, आप सबको मैं शिकस्त इंशाल्लाह मेरी पार्टी देकर दिखाएगी। नाम तो नहीं लिया, ताहम वाजे तौर पर कहा कि कठपुतलियों को शिकस्त देने का वक्त आ चुका। मेहर में रैली से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपीपी ने कहा कि इमरान खान ने अवाम के लिए गधे का लफ्ज इस्तेमाल किया जो इंतहाई अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी हमेशा किसान दोस्त मंशूर लेकर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मंशूर में भी ज़राए इंकलाब लाने के लिए एक वाज़े प्रोग्राम है। आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हमेशा गुर्बत का मुकाबला किया है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस मुल्क के महरूमियों से है, पासमानदगी से है, सियासत है। मुखालफीन के सपोर्टर्स को गदा गदा कहता है, कराची के अवाम को जिंदा लाशें कहते हैं। ये बाकी सियासी जमातें सियासी जमात ही नहीं है, ये कठपुतली साथ सियासतदान है। जो लोग कठपुतली हुकूमतें बनाते हैं वो आपके नहीं सुनते, वो आपके मसाइल हल नहीं कर सकते, वो किसी और के सुनते हैं, वो किसी और के हुक्म मानते हैं और किसी और का काम करते हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना है कि इलेक्शन को मुतनाज बनाया जा रहा है, कमजोर जमहूरियत भी आमरियत से बेहतर है, किसी और जमात ने गुर्बत के खात्मे के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा सिंध, हेलीकॉप्टर में सेवन शरीफ पहुंचे। रास्ते में आवाम ने शहीद बीबी के बेटे का पुरजोश इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने सख्त सिक्योरिटी में लाल शहबाज कलंदर के मजार पर हाजिरी दी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन के मुतनाज़े होने का जिक्र किया। हमारा फोकस इस वक्त पे है, इलेक्शंस पे है, मगर जितना मुतनाज़ा ये प्रोसेस बनाया गया इतना मुतनाज़ा नहीं होने चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जितनी भी कमजोर जमहूरियत है वो आमरियत से। अब बात करेंगे एमकेएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की, जिन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि 5 सालों में एमकेएम ने क्या किया, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि एमकेएम के साथ क्या हुआ। हैदराबाद से जलसे में खिताब में उनका कहना था कि सियासी अनासर एमकेएम को कमजोर समझकर आज कराची का रुख कर रहे हैं, लेकिन आवाम 25 जुलाई को उनकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने 10 सालों में शहरी इलाकों के हकूक गस्प किए। बहुत सारी सियासी जमातें हर बार आती हैं, इस दफा भी ये सोचकर कि शायद 5 साल के मुतासिबाना और यकतरफा महाजिर दुश्मन ऑपरेशन के बाद शायद एमक्यूएम कमजोर हो गई हो। कई साल से महाजरों और उसके मैंडेट पर शब खून मारने, डकैती डालने के लिए तैयारी की हुई थी। कहा यह जा रहा है, सवाल ये उठाया जा रहा है कि एमक्यूएम ने इन 5 सालों में क्या किया है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि इन 5 सालों में एमक्यूएम के साथ क्या हुआ है। अब आपको बताएं कि आज न्यूज इलेक्शन मुहिम में सबसे आगे है। इंतखाबात की खुसूसी नशरियात के सिलसिले में अलामती पोलिंग का एहतमाम भी किया गया। आपको बताएं कि आवाम को वोटिंग के तरीके के साथ साथ वोट की अहमियत से मुतालिक आगही भी फराहम की गई। इलेक्शन 2018, सवाल है वोट का। आज न्यूज और आवाम साथ साथ। आज न्यूज के खुसूसी पोल के दौरान अवाम ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के अजम का इजहार किया। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अलामती पोलिंग हुई। लोगों का कहना था कि वो जमहूरी अमल में अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। मैं जिस तरह के इकदाम देख रहा हूँ आज टीवी की तरफ से, आज न्यूज की तरफ से, जो कावशे है कराची के लिए वो बहुत ही अहम और बेहतरीन रहे। ये तो बहुत अच्छा तरतीब किया आज न्यूज ने, आज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। लाहौर में भी अवाम ने पोल में गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने आज न्यूज की नशरियात को इलेक्शन मुहिम के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया। वोट जरूर डालें, सवाल है वोट का, सवाल है वोट का, सवाल है वोट का, सवाल है वोट का, सवाल है वोट का। कराची में भी आज न्यूज की नशरियात सवाल है वोट का को अवाम ने बेहद सराहा। लोगों का कहना था कि वोट चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन अवाम इंतखाबात में अपना हिस्सा जरूर डालें। वोट अमानत है और एक कौमी फरीजा भी है। मैं समझता हूँ कि ये सोचकर वोट देना चाहिए। आप लोगों ने जो किया है ये बहुत अच्छा है तरीका, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग किसके हक में ज्यादा बेहतर है। आज न्यूज के इलेक्शन ट्रांसमिशन को लोगों ने वोट की अहमियत और वोटिंग के तरीके कार से आगाही के हवाले से अहम करार दिया है। और अब यहाँ पर लेंगे